नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था अब हम 14वीं और 15वीं सदी के भारत पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत सिकुड़ सिकुड़ कर तैमूर के आगमन तक गायब ही हो गई। हिंदुस्तान में कई बड़ी और आजाद रियासतें थीं, ज्यादातर जिन पर मुसलमान शासकों का राज था, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। दक्षिण में बहमनी सल्तनत थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य विजयनगर। फिर गुजरात सल्तनत के उत्तर में था राजस्थान, जहां कई छोटे छोटे राजपूत ठिकाने थे, और एक बड़ा राज्य चित्तौड़ यानी मेवाड़, जो इन सबसे अहम था। 16वीं सदी की शुरुआत तक लोधी वंश ने फिर से दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना लिया था। जौनपुर को नष्ट कर दिया गया और कई राजपूत ठिकानों के शासक दिल्ली के अधीन हो गए, मगर मेवाड़ और मारवाड़ ने डटकर अपनी आजादी कायम रखी। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके तीन बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। चित्तौड़ की गद्दी का वारिस कौन बने, ये बात रायमल जीते जी तय करना चाहते थे। तभी उनके छोटे भाई सूरजमल ने सलाह दी कि इस बात को देवीवाणी पर छोड़ दो। अरे खम्मा देवी, जय माता जी की। तो जाड़ू ही हो मां। हाँ जाड़ू हूं, राज से हासन वाले योग्य व्यक्ति मिल गया हो। आप तो बस भी को नाम बताओ और कृपा करो देवी मां, राजा कौन बनेगा? इन मंदिर में सबसे पहलू कौन आयो? मैं आयो।
एने बार मैं आयो मैं तो सबसे पाछे आया हा मां इने बाद भी थे भागरी खाल पे बैठे हो तो इनमें क्या हो गयो भागरी खाल पर बैठन वाला राजा होवेगा या तो मूर्खता है मैं राजा बनूंगो क्या भविष्य जानने चाहते था मैं बता दियो इन्हें अपना भाग्य मान स्वीकार करो अगर मैं इस खाल पे बैठे हो तो तू पर भाई जी आप ही खाल पर बैठे तो नहीं आ मारा से भूल हो गई और भूल तो सुधारी जा सके उन खाल से इन खाल पे बैठवा का अधिकार मारो है भाई जी आप ना अवसर मिले हो तो फिर आज ते देवी माता री बात नहीं बदल सको ना जब तक संग्राम सिंह जीव तो है मैं इन्हें जीव तो ही नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें जीव तो नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं राजा बनूंगा मैं बनूंगा राजा पृथ्वीराज तू अपने भाई पे हाथ उठा के बहुत बुरो पाप कियो है महाराज ने पता लगेगा तो क्या होगा पृथ्वीराज जब पृथ्वीराज के आक्रमण की खबर रायमल ने सुनी तो क्रोधित होकर पृथ्वीराज को देश निकाला दिया राणा सांगा भी गायब हो गए थे उनका कोई अता पता नहीं चला तभी रायमल ने तीसरे बेटे सीधे साधे जयमल को राजा बनाया मेवाड़ की किस्मत डूबने लगी इतने में पृथ्वीराज की मौत की खबर आई और फिर पता चला राणा सांगा जीवित हैं और श्रीनगर में राजा करमचंद के चाकर हैं बूढ़े रायमल ने तुरंत अपने मंझले बेटे को बुलाया और उसे गद्दी सौंप दी बंधुओं पिछला कुछ एक बरसा में भूल ही जानो ठीक है या समझो कि वह समय तो गुजरनो ही हो जी से पुजारिन चरणी देवी री भविष्यवाणी सांची सिद्ध हो सके सच कहूं हूं भाई लोगा ये पिछला कुछ एक बरस भारत वास्ते भीषण दुख से भरया हा मेवाड़ रे पतन रो दुख मारे भाई पृथ्वीराज रे मरण रो दुख और सबसे बड़ो दुख हमारे पिताजी रो निधन पड़ी दुख से भरे समय में एक भलो मानस एड़ो भी हो जो सदा मने स्नेह और सम्मान दियो मारी हिम्मत बंधाई वे हैं मारा परम मित्र राजा करमचंद जी ये तो मेरा फर्ज था महाराज करमचंद जी नजराना का रूप में मैं आपने अजमेरी जागीर सौंपू हूं मारी यह इच्छा है कि आप बैठे सुख सुराज करो यह आपकी उदारता है महाराज आप जेड़ा सच्चे मित्रा रा वास्ते है तो राणा सांगा अपना प्राण भी दे सका है भाई लोगा मेवाड़ ने चारों तरफ से खतरो है मालवा गुजरात दिल्ली री हुकूमत मेवाड़ री तरक्की रा सब रास्ता बंद कर रखा है मालवा ने गुजरात लोधी रा इशारा पर नाच रहा है और मे राजपूता के वास्ते शर्म की बात है कि राजपूत ठिकाने रा ठाकर भी लोधी रा इशारा पर दिल्ली रा इशारा पर नाच रहा है भाई लोगा याई बखत है कि आप सब लोग मेवाड़ रे सागे मिल लोधी ने मुंह तोड़ जवाब दो जदे जदे वादी नावेला जब दिल्ली आपनी होवेली राणा जी मारे ये करज है सबसे पहले दिल्ली पर ही आक्रमण करो जाए दिल्ली वो दरवाजो है हुकुम जिनसे होके ही आगे बढ़े जा सके अज्जा जी मैं आपने वचन देऊ हूं कि दिल्ली आपनी होवेली आपनी बस मैंने तो आप सब लोगों का साथ चाहिए राणा सांगारी राणा सांगारी राणा सांगारी राणा सांगारी जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का अधिकार हुआ उस समय दिल्ली में लोधी वंश का राज था 1451 ईस्वी में उत्तरी सूबे के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन बैठे कुछ ही दिन में लोधी अफगान अपने कबायली रीति रिवाज भूलकर सामंती रंग ढंग अपनाने लगे बहलोल और उसके बेटे सिकंदर ने अफगान मलिकों को जागीरें अता करके और उन्हें कुछ हद तक आजादी देकर खुश रखा मगर सिकंदर का बेटा इब्राहिम बड़ा मगरूर था और उसे अपने पुराने अमीरों पर जरा भी भरोसा नहीं था हमारा कमजर्फ भाई जलाल खां कहां है या भुआ उसे हमारे सामने पेश क्यों नहीं करते
आका, आपने उनका नजराना ठुकरा दिया, इसलिए शहजादा जलाल ग्वालियर की तरफ भाग गए और उसे पकड़ने के लिए आजम हुमायूं ने किले पर चढ़ाई की, पर वो नाहल उस गद्दार जलाल को पकड़ तक नहीं पाया। खान, खलबली में शहजादा जलाल न जाने कहां फरार हो गए। उम्र के साथ सर के बाल भी उड़ गए और अक्ल पर भी ओले पड़ गए। आका, बकवास मत करो, तुम जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हो। मैं आका, खामोश। अले कक्कड़, तुम बताओ कहां छिपाए वो पाजी? झांसी के किले में बेड़ी बंद है जिले सुभानी। क्या? शहजादा जलाल ग्वालियर से निकलकर मालवे की तरफ जा रहा था, पर कौन कबीले के सरदार ने उसे रास्ते में ही धर लिया और हमारे सुपुर्द कर दिया। देखा मियां भुआ, इस सल्तनत के कुछ अमीर अब भी हमारे वफादार हैं। आका, आका मेरी मानिए और शहजादे को माफ कर दीजिए, वो आपका छोटा भाई है, नादानी कर बैठा है, मगर देखा कैसे माफी की भीख मांग रहा है। पोल खुल गई तो लगा गड़गड़ाने, ये एक साजिश थी। आका, मैंने कोई साजिश नहीं की। झूठ बोलता है। मरहूम सुल्तान की मौत के बाद तूने और तेरे गुलामा के इस दोस्तों ने सल्तनत के बंटवारे की बात नहीं की थी? कहते थे जलाल खान कमजर्फ को जौनपुर की गद्दी दे दो और दिल्ली अपने पास रख लो, ये सुल्तान सिकंदर की सल्तनत के टुकड़े करने की साजिश नहीं थी? एक सल्तनत में सुल्तान एक ही हो सकता है। तुम हमेशा पालतू तोते की तरह रटाया हुआ सबक उगल देते हो माकन, पर हम अफगानों में बाप की मौत के बाद इलाका भाइयों में बंटता है। अल्लाह के सामने सारे कबीले हमेशा बराबर रहे हैं और यही हमारी रिवायत है। जमाना बदल गया है मियां भुआ, कबीलों में इख्तदार का हक सिर्फ लोधियों का है, बाकी सब कबीले हमारे गुलाम हैं। लोधियों की खिदमत फर्ज है उनका, सुल्तान के सामने कबीलों की कोई वक्त नहीं। लेकिन कबीलों के सरदार ये कभी राजी नहीं होंगे। जबान को लगाम दे मर्दूद, तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से अफगान कबीलों में जहर फैल रहा है। कौन कहता है ये? मियां भुआ, माकन एक पालतू तोता है, यही कह रहे थे ना, अब ये तोता तुम्हारे सिर चढ़ के बोलेगा। अब कहो भी, लगे लंतरानिया हांकने। पंजाब के सूबेदार को आपने कुछ खत नहीं लिखे थे? अपने दोस्त अहबाब से खतो किताबत करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा, सुल्तान को सनकी और ताकत का पागल कहना कोई गुनाह नहीं, दौलत खां को बगावत के लिए भड़काना कोई गुनाह नहीं? आका, आका, सिकंदर सुल्तान मरहूम ने इस नाचीज और दौलत खां को शफकत से नवाजा था, हम दोनों आपके सच्चे वफादार हैं आका। अच्छा, इसीलिए वो आज दरबार में नहीं आया, वफादारी जताने के लिए अपने पाजी बेटे दिलावर खां को भेज दिया। अगर वो वफादार है तो खुद आने से क्यों कतराता है? मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, वो तो फिर भी आने की जिद कर रहे थे, लेकिन हकीमों ने आने नहीं दिया उन्हें। हम उनकी बीमारी की वजह अच्छी तरह जानते हैं, डर के मारे टट्टी छूट गई होगी साले की, कि अगर पोल खुल गया तो क्या हश्र होगा। तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि गद्दारों को क्या सजा होती है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? जी हुजूर। तो जाकर बताना अपने बाप को और मियां भुआ के बुरे अंजाम की खबर भी देना। तेरा खेल अब खत्म हो गया बदसात, ले जाओ इस हरामखोर को, डाल दो तहखाने में, सड़ने दो इसे। इब्राहिम, इब्राहिम, तुम यह गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो, इस तरह तुम अपने बाप के किए कराए पर पानी फेर दोगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इब्राहिम। हुजूर, मुझे इजाजत दें। अभी से कहां जाने लगे, तुम्हारे लिए कुछ हिदायतें हैं। माकन, बताओ इन्हें क्या करना है? सुल्तान ने मेवाड़ के राणा सांगा को सबक सिखाने का फैसला किया है। हुक्म दें तो इसी दम मैं फौज समेत कूच करने के लिए तैयार हूं सुल्तान। फौज की निगरानी मैं करूंगा। हुजूर, ये क्या? तुम अपनी तमाम फौज लिए खतौली की तरफ कूच करो और माकन के हुक्म के मुताबिक महाज जमाओ। हुजूर, ये मुनासिब नहीं कि मैं माकन के मातहती में लड़ूं, बेहतर होगा कि सुल्तान। तू भी उस हरामखोर भुआ की सी बकने लगा। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। सुल्तान को ताकत का नशा हो गया है, पता है कल मुझे कहां ले गए थे? उसी तहखाने में, यहां सारे अमीर और मालिक नजरबंद हैं। ये सब वही लोग थे जो कभी मरहूम सुल्तान सिकंदर के वफादार थे। दिलावर खान ये जालिम तो किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने तो फैसला कर लिया है,
कैसा फैसला? कहीं सुल्तान आपको भी नजरबंद ना कर दे। मैं राणा सांगा की फौज में शामिल होने जा रहा हूं और तुम लाहौर पहुंचते ही दौलत खान को यहां के हालात से आगाह करो। मेरे वालिद इसका हल जरूर निकाल लेंगे। और उनसे कहना जो भी कदम उठाएं हमें जरूर इत्तला दें। जरूर। मियां हुसैन राणा सांगा की फौज में जा मिला। नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम की फौज को राजपूतों ने खदेड़ भगाया। अपनी काबिलियत साबित करके मियां हुसैन फिर से इब्राहिम लोधी के पास लौट आया। इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए। इस अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने अपने सामंतों की परीक्षा ली। विराजो आप लोग, विराजो। ओके करो अन्नदाता, आपरे वास्ते तो सिंहासनी सही जगह है। नहीं अजय जी, यो ठीक नहीं लगे। मैं तो आप लोग सागे ही बैठू। नहीं अन्नदाता, माने अत्रो लज्जित नहीं करो। आप बैठो अजय जी। जद कोई मूरत टूट जावे तो उनरी पूजा नहीं किया करे। क्यों उदय सिंह जी, ठीक है ना? आप सही फरमा रहे हो राणा साहब। मेवाड़ रे सिंहासन पर बैठ वालो राजा परिपूर्ण भी तो होनो चाहे अज्जा जी। हमारे शरीर की तो यह दशा है कि एक हाथ नहीं रहे हो और यो पग भी काम नहीं कर रहे हो है, और आंख भी मारे कने एक ही है। एड़ी अवस्था में मारो सिंहासन पर बैठनो आप लोगों ने कहीं ठीक लागे? पर आपरा घाव तो अन्नदाता पराक्रम रा घाव है, विजय रा घाव। एक वीर रणबांकुरा रा आभूषण री भांति। अन्नदाता माने और लज्जित नहीं करो, उठो उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। आप सब लोग यही चाहो हो, मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूं। भाई लोग, एक तारो फल आप रे सामने है। इब्राहिम लोदीरी फौज ने हराबा के बाद ही माने संतोष नहीं करना है, ये तो मारी शुरुआत है। पर मारी अरे जो है अन्नदाता कि सबसे पहले माने सुल्तान रा विरोधी अफगान अमीरा ने तोड़ना चाहिए। नहीं अज्जा जी, इब्राहिम लोदी रे अमीरा पे भरोसा नहीं की जा सके। इन बात से मैं काबुल रे बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। पर राणा जी, लोग कहवे है कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे, अड़ी हालत में उन्हें निमंत्रण देने का ही बुद्धिमत्ता होवेली। अज्जा जी, आपने अब भूलनो नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और वारी रुचि बस लूट मार में है। माने लूट मार को माल ले जान दो, माने तो बस दिल्ली ना आगरा चाहे बस। पर हुकम, जदे वो दिल्ली में ही रुकी गयो तो? कहीं बात करो हो उदय सिंह जी, चंगेज खां रुकियो, तैमूर रुकियो, अरे ये सब तो लुटेरा है लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जब वो दिल्ली पर आक्रमण करेगो तो मैं तुरंत आगरा पे धावा बोल दे वाला। आप सही फरमाओ राणा साहब, इबुठो ने सिंहासन माथे बिराजो। बस ठीक। जब बाबर 11 बरस का था तो उसके वालिद गुजर गए, और उस कच्ची उम्र में जब ज़्यादातर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे तलवार उठानी पड़ी। वो अपना तख्त खो बैठा, फिर उसे दोबारा जीता, फिर फरगाना को हार कर उसे समरकंद आना पड़ा और वहाँ से काबुल। फिर भी उसे साहित्य और कला के लिए वक्त मिला।
बाबर ने अपनी आप बीती बाबरनामा लिखी और ये दिलकश किताब उसकी शख्सियत को बहुत करीब से देखने का मौका देती है। भगवान हुजूर, चश्मा इस तरफ मोड़ने का हमारा फैसला सही था ना? बिल्कुल पाचा, इससे आपको फरगना की याद आती रहेगी। तो तुम्हें भी फरगना की याद सता रही है? जी हुजूर। फरगना की नदियां, वहां के मेवे, वहां के अंगूर और खरबूज पाचा। हाँ खरबूज, उन खरबूजों का मजा ही कुछ और है। मगर अब काबुल ही हमारा वतन है। वैसे बाग बगीचों से यहां भी रौनक आ जाएगी पाचा। वो तीन दरख्त कैसे? जी हाँ, वो तीन दरख्त कहते हैं तीन औलिया की बरकत से वहां है। चलो वहां चलते हैं, शायद हमें भी कुछ बरकत मिले। पाचा, किले में लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो रोज ही करते रहते हैं पाचा। शहजादे कामरान का निकाह। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिलाया, वरना कामरान की अम्मी जान हमें ताउम्र माफ नहीं करती। चलो तुम भी चलो शादी में, वहां बढ़िया खाना और बेहतरीन शराब मिलेंगे, मौसिकी और शायरी अलग। मुबारक मुबारक, खुदा हमेशा तुम्हें अपनी इनायतों से नवाजे। भाई तरदीब एक, तुम्हारा प्याला कहाँ है? तुम्हारे हाथ में प्याला ना हो तो तुम अधूरे लगते हो। अच्छा, लाहौर से एक एलची आया है, उसे इंतजार करने दो, पहले जश्न होने दो। चलो मायूं, जनाने में भी होने। बड़ी देर करती भाईजान, कहाँ रुक गए थे? शहर के बाहर एक देहात में एक बागीचे के लिए जगह पसंद की है। इतनी हसीन जगह है कि वक्त का भी इंसान भूल जाता है खानसा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है भाईजान, वैसे वैसे आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। हाँ। मेरी ताकत तभी भी वही है। अच्छा। तुमने सुल्तान इब्राहिम लोधी का नमक खाया है। तुम्हारे वालिद और दादा भी लोधी दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे, फिर तुम क्यों हमसे मदद चाहते हो? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं? बादशाह, सुल्तान इब्राहिम अपने सारे अमीरों पर शक करते हैं। कईयों को मार डाला गया, जिला वतन कराया गया, कैद खाने में डालकर तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। अब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनने लायक नहीं रहे, इसीलिए कई अमीरों ने, जिन्हें अपनी जानो अमान का खतरा है, मुझे आपके पास भेजा है। मेरे सारे साथी बेसब्री से आपके हिंदुस्तान आने की राह देख रहे हैं। हम जल्दी ही आपको खबर करेंगे, तब तक आप काबुल में हमारे मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बादशाह। तरदी बेग, हिंदुस्तान से पहले राणा सांगा का पैगाम और अब अफगान सरदार चाहते हैं कि हम दिल्ली पर धावा बोलें। अफगानों पर तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने जब भी अपने किलों में टुकड़ियां छोड़ी, हमारे पलटने की देर थी कि अफगान सरदारों ने हमारे किलों पर कब्जा जमा लिया। पर हिंदुस्तान बेहद गर्म मुल्क है। फिर भी एक बादशाह के लिए हिंदुस्तान मतलब की जगह है। तरदी बेग, अगर हम हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला करें तो तुम साथ चलोगे? बादशाह, मैंने आपकी खातिर दरवेशी छोड़ी, साथ में काबुल आया, मगर ये उम्मीद जरूर थी कि हम एक बार समरकंद फिर से हासिल करेंगे। मेरा दिल तो अब भी वही है। मेरा भी, मगर भूल जाओ समरकंद, अब हमारा मुस्तकबिल मशरिक की तरफ है। तरदी बेग, अब की बार अगर हम हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंद पर फतह हासिल करके ही लौटेंगे। सिख सूत्रों के अनुसार बाबा गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान आने को नैतिक पतन की वजह से हिंदुस्तान पर आई दैवी विपत्ति कहा था। जैसे मैं आवे खसम की बाड़ी, जैसे मैं आवे खसम की बाड़ी, ऐसड़ा करी ज्ञान वेलालो, तैसड़ा करी ज्ञान वेलालो, पाप की चंजले काबल ताया, पाप की चंजले
काबल ताया जोरी मंगे दान वेलालो जोरी मंगे दान वेलालो जैसे मैं आवे खसम की बाणी सरम तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे परधान वेलालो काजे अबामना की गल थकी अगद पड़े सैतान वेलालो जैसे मैं आवे खसम की बाणी मुसलमान आ पढ़े कतेबा कष्ट में करे खुदा वेलालो जात सनाती होर हिंदवाणिया ए भी लेखे लाए वेलालो खून के सोहिले का कुंगू पाए वेलालो रत का कुंगू पाए वेलालो जैसे मैं आवे खसम की बाणी फैसला करी गया वाह अच्छा जी कुंडी बाणी है या बाबा नानक की बाणी है महाराज लाहौर में बाबर के हमले के बाद उन बाबर बाबर जी ने देखो बाबर री बातें कर रहे हो अन्नदाता अब आप लोग काई हुए लो आप तो बाबर सु क्यों हो कि दिल्ली पर उनका आक्रमण करता ही आप आगरा पर आक्रमण कर देवला अज्जा जी मैं आप लोग वचन अबार नहीं निभा सका और जब तक नहीं जब तक गुजरात ने मालवा आपने कब्जा में नहीं है वो वक्त तक लोधी और बाबर ने आपस में लड़वा दो अन्नदाता अन्नदाता दिल्ली और आगरा दोनों ही बाबर के कब्जा में रहे वो आपने वास्ते चौकी बात अज्जा जी आप भी हवा में तीर छोड़ो हो अब आप दिल्ली ना आगरा बाबर के कब्जा में तो नहीं है ई बखत वहां की भलाई में ही है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और लोधी ना बाबर का खेल देखा आप रुके विचार है वहां दोनों की सेना आपस में कठे बढ़ेगी पानीपत मैदान में अन्नदाता पानीपत मैदान ठीक है मुबारक हो बादशाह अब तो हुमायूं भी सयाने हो गए हैं वो राणा है कहां अभी तक वो आगरे की तरफ बढ़ा क्यों नहीं जहां दीद गीदड़ लड़ाई खत्म होने की राह देखते हैं तुम्हें तो मजाक ही सूझेगा तरदी मगर हमारे सिपाही बेचैन और डरे हुए हैं बेचारे दो तीन महीनों से घरों से बाहर हैं परदेश में जहां की जुबान उनकी समझ में नहीं आती और अब चर्चा यह है कि लोधी की फौज में 1,00,000 सिपाही और 1,000 लड़ाकू आती कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे इंशाल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं नई फतेह के लिए बादशाह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम की सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज सियाह बादलों की मानिंद पहले वार पर सीधे हमारी तरफ तब तलक बढ़ती रही जब तलक कि उसने हमारी फौज के सियाह परचम को न देख लिया फिर तो वो हमारे सामने खड़े न रह सके हमारी फौज के गिरदावर हिस्से ने दुश्मन को पीछे से जा दबाया और ऊपर तीरों की बौछार कर दी दरमियान में उस्ताद अली कुली ने तोप के गोलों से जमकर मुकाबला किया दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर हमारे सिपाही ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन ना तो लड़ पाता और ना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल पाता 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हसब मामूल अपनी फौज को तीन हिस्सों में बांटा दाएं बाएं और सीधे बढ़ने वाले इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे
भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। बात मत करो महमूद, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हजूर, हम बाद में भी तो बाबर को हरा सकते हैं। दिल्ली के लोग तो सब छापा नहीं कर रहे। तुम अगर मौत के खौफ से डर गए हो तो जाओ, मैदान छोड़ दो। हमारे कितने अमीर शहीद हो गए, कल हमने मिलकर फतेह के जाम पिए थे। बेहतर यही होगा कि मैं यही उनके साथ सुपुर्द खाक कर दूं। आना है तो मेरे पीछे आओ। खुदा के कर्म इनायत से ही ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो गई। आधे ही दिन में दुश्मन का सफाया कर दिया। अन्नदाता, बाबर ने घनी होशियारी से एक और चाल फेंकी। उन्हें समर्पित अफगान अमीरा ने अपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देना शुरू कियो है, ताकि वो लोग उनका प्रति वफादार रह सके। या बात अब साफ दिखा है कि बाबर का इरादा वापस काबुल जावरा नहीं है। उड़ाना घना लोग काबुल वापस लौट गया, पर वो जावा को नाम ही कोनी लेवे। अन्नदाता, बाबर रे संबंध में फैसलो करना ही चाहिए। काश आपने आगरा तक को साथ दिए हो तो। ये सब तो भाग्यरा फेर है जजी, एक अमेज मेदार कोनी। खैर, जो हुयो सो हुयो, उनके बारे में चिंता करवारी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रवे कि मेवाड़ री है दिल्ली, उन बाबर री पपोती नहीं है। राणा जी हुकम, मैं भी आपको यही सलाह करवा वालो हो। अच्छा, अपने घना सारा अफगान अमीर उमरावा भी यही मंशा रखे कि दिल्ली री गद्दी पे आप ही बिराजो। वास्तव है बाबर का विरोध में आपन साथ देवाने भी राजी है। बस अब ज्यादा सोच विचार करवारी जरूरत नहीं है। बाबर पे आक्रमण करवारी तैयारियां करो। पर अन्नदाता, मैंने तो उनरे आग उगलवा वाले शस्त्रारी चिंता है। वो मारे तीर कमाना से ज्यादा गहरी मार करे। इन शस्त्रारे साथ भी बाबर अपना वीर राजपूतारा सामने कोनी टिक सके। ठीक बात कही है उदय सिंह जी। यह बात साफ है कि मुगला से लड़वा रे वास्ते मेवाड़ सिवाय अब और कोई दूसरी ताकत कोनी। या लड़ाई तुम्हारे जीतनी है हर हालत में। पाचा, मैं वापस काबुल जाना चाहता हूँ। क्या? यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे सिपाही अब और नहीं रुक सकते। आपने कभी नहीं कहा कि इतने लंबे अरसे तक यहाँ रुकना होगा। इस वक्त जब हम राणा सांगा से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तुम वापस जाना चाहते हो? नहीं, इस वक्त हमें अपनी तमाम फौजी ताकत की जरूरत है। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हमारे बाकी सिपाहियों का क्या होगा? हम वादा करते हैं, हम राणा सांगा के खिलाफ कामयाब रहे तो तुम अपने आदमियों के साथ वापस काबुल जा सकते हो। तब तक अपने आदमियों से कहो कि संभल कर रहे। तुम सबको इसका क्या एहसास नहीं कि हम अपने शहर और वतन से कई महीनों की दूरी पर हैं? अगर हम हारे तो हम कहां के रहेंगे? यहां हम परदेशियों में घिरे हैं। अब इतना अच्छी तरह समझ लो, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर हम जीते
तो अल्लाह ही हमें कामयाबी देगा, और अगर हारे तो भी अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाएंगे। गाजियों, हम दोनों तरफ से महफूज हैं। हम कसम खाते हैं कि आज से हमारे लिए शराब हराम है। कन्हुआ की लड़ाई में भी बाबर ने वही रणनीति अपनाई। अलग अलग राजपूत सेनापति बाबर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राणा सांगा अपनी सेना के बीचों बीच थे। युद्ध विराम के समय जब घायल सैनिक पीछे की ओर ले जाए जा रहे थे, तब बाबर ने अपनी सेना को अचानक हमला करने का हुक्म दिया। इस हमले से राजपूत घिर गए। घेरो आगे बढ़ रहा है, हुकुम हमारी बात मान जाओ, आप निकल जाओ। यानी हो सके रतन सिंह, यानी हो सके जीवन बचालो, दुश्मन ने पीठ दिखा बस मरनो बोलो बचालो। पान की लाओ, जल्दी करो, महाराणा ने बासवा में कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। राणा की ने छिपा लो, इन हालत में इन्हें किसी सिपाही ने देखना नहीं चाहिए। अबे आपने कहीं करा युद्ध जारी रखा? हाँ युद्ध में डटा रहना है। हाँ हाँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पर पहला जल्द करने राज की हाथी पर बैठाओ। जब सिपाही देख लेगा कि राज की हाथी पर राणा नहीं है तो राणा की हिम्मत टूट जाएगी। राणा जी बाद आदेश देवा रहा अधिकार राव रतन सिंह जी रो है। यही धारण करेगा राणा जी पागड़ी। पर मैं राणा जी जगह कौन ले सकूं? पर क्यों, हमारा पूर्वज छुंदा जी रो मेवाड़ा सिंहासन पर अधिकार था, पर उन्हें उसको त्याग कर दियो, तो थोड़े समय के वास्ते भी मैं सिंहासन पर कौन बैठ सकूं? बार अपना कने इन माता रा वास्ते समय को नहीं, मैं अपना कुलडो पेड़ को नहीं तोड़ सकूं, मैं किसी का भी आदिन का लड़वाने तैयार हूं। जरी आपनी मंशा अज्जा जी, अब आप ही धारण करो राणा जी पागड़ी, आप ही हाथी पे बिराजो। अज्जा जी अब देर न करो, राणा जी बात अली सेना री भाग दौड़, अपन कनी कनी ने तो संभालनी है। अज्जा जी बिराजो, देर न करो। Thank you.
ठीक हाँ, चलो रणभूमि और चलो। लड़ाई पूरी हो चुकी है हुकम, आपा लड़ाई हार गया। कौन कह रहा है मैं लड़ाई हार गया? अज्जा जी, वीर सिंह, उदय सिंह सब कट है, सब जना वीर गति ने प्राप्त हो गया। महाराज आप रो हुक्म हुए तो चित्तौड़ रही और चला, मुगल सिपाही आप रो पीछो कर रिया है। नहीं नहीं सैनिक, चित्तौड़ रही और नहीं, मैं प्रण करो है कि बाबर रो नाश किया बिना मैं चित्तौड़ नहीं जावाला। सब सैनिकन इकट्ठा करो, आभार ई बखत मैं हारिया नहीं हां, सैनिक मैं हारिया नहीं हां। सैनिकन इकट्ठा करो, मैं हारिया नहीं हां। राणा सांगा कभी चित्तौड़ वापस न जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि घावों ने उसकी जान ले ली, कुछ कहते हैं कि सेना नायकों ने उसे जहर देकर मार दिया क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बाबर से लड़ना चाहता था। जो भी हो, 13 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ आखिरी बड़ा मोर्चा नाकामयाब रहा। खुदा हाफिज बेटा, अपने भाइयों की हिफाजत करना, हमेशा अपने बेगों से मशवरा लेते रहना। जी पादशाह। मैं भी इजाजत चाहूंगा पादशाह। खुश रहो तरदी, खुदा करे तुम्हें दरवेशी में रूहानी तकवियत हासिल हो। पादशाह आप भी क्यों नहीं लौट चलते हमारे साथ? अभी नहीं तरदी, हमारी असली जंग तो अब शुरू होगी। किचन शेर अपने साथ लेते जाओ। उसका कर
बात हयात है बाबर सी तरह है मुसीबत का सिलसिला बाबर सी तरह है मुसीबत का सिलसिला मुश्किल से बाबर हिंदुस्तान में 4 साल रहा। ये 4 साल लड़ाइयों में गुजरे और बाबर हिंदुस्तान में अजनबी ही बनकर रहा। उसकी मौत के बारे में एक मशहूर किस्सा है। उसका बेटा हुमायूं बीमार था और बाबर उसे इतना प्यार करता था कि खुदा से दुआ मांगी कि उसके बेटे के बजाय वो उसकी जान ले ले। या खुदा, अगर तू एक जिंदगी लेकर दूसरी दे सकता है तो मैं बाबर अपने बेटे हुमायूं को अपनी जिंदगी देता हूं। कहते हैं कि इस हादसे के कुछ दिन बाद हुमायूं बिस्तर से उठ गया और बाबर बिस्तर को पकड़कर मर गया। बाबर को काबुल में ले जाकर दफनाया गया उसी बाग में जिसे वो इतना चाहता था। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। महता हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर जिसके बल पर तेजोमय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर फैली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।